डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अशोक गहलोत ने मुहर लगा दी है। आज शाम शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया, जल्द ही जारी किया जाएगा परीक्षा का टाइम टेबल। ये बड़ी खबर है सर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है कब करवाने जा रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है रही? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है राज्य सरकार को कि बच्चों की परीक्षाएं मई माह में करवाई जाए, जिससे कि बच्चों को सफिशियंट टाइम मिले, वो पढ़ाई कर सके अपनी, और मई में करके हम जून एंड तक रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी जो आवेदन की जो परीक्षा आवेदन के लिए तारीखें बढ़ाई गई है वो कब तक है और परीक्षा को लेकर जो है किस तरह की व्यवस्थाएं रही? अभी परीक्षा की हमने दूसरी बार डेट्स बढ़ाई है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को अगर कोई रह गया बिना लेट फीस लिए परीक्षा की तिथि बढ़ाई है 8 तक, और हमने एक प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोरोना कंटिन्यू रहता है तो परीक्षा के केंद्र जिससे पिछली बार रहे उसी तरीके से हमारे लगभग 6,000 के करीब परीक्षा केंद्र होंगे, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोरोना संक्रमण की संभावना नहीं रहे। हमने पहले भी सफलतापूर्वक करवाया है और राज्य सरकार की पूरी हमको मदद रही है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी सदैव छात्र हित में सरकार के पूरे का पूरा लवाजमा इसमें लगा देते हैं। इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि छात्र हित में सारे कार्य करेंगे।